तो आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। आज हम सूजी से बिल्कुल आसान और मार्केट से भी अच्छी स्नैक्स बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने ये एक कटोरी से ज्यादा डेढ़ कटोरी करीब सूजी ली है। हम ये स्नैक्स जो है वो सूजी से बनाकर रेडी करेंगे। फ्रेंड्स यकीन मानिए ये स्नैक्स खाने में इतना टेस्टी है और बनाना तो बहुत ही आसान है। इसके अंदर हम एक छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक कटोरी से थोड़ी सी ज्यादा सूजी है। अब हम इसके अंदर दो चम्मच बेसन की ऐड करेंगे। बेसन डालने से ये होता क्या है कि हमारे नाश्ते में एक बहुत ही सौंधी सौंधा स्वाद आता है। अगर आप चाहें तो डालिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम सारी चीजों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई गाढ़ गुठली ना रहे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हमारा नाश्ता खस्ता बने इसके लिए हम इसके अंदर दो से तीन चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को भी खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर रेडी कर लेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालिएगा। ज्यादा पानी एक साथ डालने से होता क्या है कि हमारा जो डो बन रहा है वो हो सकता है खराब भी हो जाए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। और हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ है ना, उसको दबाना मत भूलिएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि आपको हमारी बनाई हुई ये स्नैक्स कैसे लगे। ये देखिए हमने आटे का डो बातों में हमारा आटे का डो भी लगकर रेडी हो गया। एक जरूरी टिप, इसके आटे को आपको इस तरीके से हाथों से मसल मसल कर गूंद कर रेडी करना। इसलिए होता है क्या है कि हमारा नमकीन जो स्नैक्स हम बना रहे हैं वो बहुत ही खस्ता और कुरकुरा बनकर रेडी हो जाए होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए हमारा एक सेमी सॉफ्ट डो ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो सकता है। आप देख सकते हैं हमारे डो कैसे किस तरीके का लगकर रेडी हुआ है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए आटा हमने सेट करने के लिए रखा था, आटा हमारा सेट कर चुका है। अब हम इसको एक बार हाथों से खूब अच्छे से मसल लेंगे। आटा हमने मसल लिया। अब हमने इसके अंदर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको तीन भागों में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए हम इसकी खूब बड़ी सी लोई बेल कर रेडी कर लेंगे, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हमारी लोई बिलकर रेडी हो गई है। अब हम इस तरीके की एक डिब्बी लेंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तरीके से पूरे में कट लगा लेंगे। ये देखिए पूरा नाश्ता हमने कट कर लिया है। अब हम इसको बचा हुआ हिस्सा अलग कर लेंगे। ये हमारे छोटे छोटे कट के रेडी हो गए हैं। ये आटा हम दूसरे में यूज कर इस तरीके से प्लेट में कट करके इसको निकाल लिया है। नाश्ता हमने बेल कर कट करके रेडी कर लिया था। अब मैं गैस पर पहले से चढ़ा रखा था, इसको हम मीडियम टू लो गैस पर फ्राई करके रेडी कर देंगे। जब तक हमारा घाल सिक रहा है तब तक हम आपको एक और बेल कर दिखाते हैं। लोई हमारी बेल गई है। अब हम फिर से वही प्रोसेस यूज करेंगे। किसी साथ ये इस तरीके की डिब्बी हो या आपके पास कुछ और हो आप उससे भी कट करके रेडी कर सकते हैं। आप अगर बड़ा बनाना चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। इसी तरीके से हम फिर से पूरा नाश्ता बना। देखिए हमारा नाश्ता देखने में कितना सुंदर लग रहा है।
और जो हमने सीखने के लिए रखा है वो भी देखिए। इसको एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस नाश्ते को आपको मीडियम टू लो गैस पर ही फ्राई करके रेडी कर। एक तरीका हम आपके साथ और शेयर करते हैं, आप चाहें तो कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन से भी आप इस तरीके से नाश्ता बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसका बस थोड़ा सा बड़ा बनेगा, उससे थोड़ा सा छोटा बनेगा, आप अपने मन के को आपका मन जैसा करें आप उस तरीके से इस स्नैक्स को बनाकर आप रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स यकीन मानिए स्नैक्स आप किसी के आगे सर्व करेंगे तो सबसे पहले तो वो आपसे यही पूछेगा कि आप ये बताइए कि आपने इस स्नैक्स को बनाया कैसे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। एक बैच हमारा बन गया, इसको हम प्लेट में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि हमारा स्नैक्स देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए एक बैच हमारा सीख गया है, हम इसको निकाल लेंगे। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि हमारा नाश्ता कितना कुरकुरा और क्रिस्पी बनकर रेडी हुआ है। इसी तरीके से हम सारा नाश्ता बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमारा स्नैक्स कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स आप भी बनाइएगा और हाँ दोस्तों कमेंट में बताना जरूर ना भूलिएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए आप नमकीन देख सकते हैं कि ये हमारा नाश्ता बना है, कितना क्रिस्पी बना है। अभी हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। हमारा एक कटोरी सूजी में कितना सारा स्नैक्स बनकर रेडी हो गए है ना। देखा ना आपने इस स्नैक्स को बनाना कितना आसान है। तो अब की बार आप फेस्टिवल पर इसको बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। हमने इसके लिए इसको और चटपटा फ्लेवर देने के लिए हमने थोड़े से मसाले लिए हैं, लाल मिर्च, काली मिर्च, चाट मसाला, कढ़ाई पाउडर और काला नमक। ये देखिए अब हमने जो मसाले लिए हैं वो मसाले इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से टॉस कर देंगे। ये हमारा होममेड चटपटा नमकीन बनकर रेडी हो गया। फ्रेंड्स आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी बनाई हुई ये नए नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हमारा नमकीन हमने डिब्बे में ट्रांसफर कर दिया, अब हम आपको इसको क्रश करके दिखाते हैं कि हमारा नमकीन कितना सॉफ्ट बनकर रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी बनाई हुई ये नए स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी।